तो आपके मन में सवाल होगा कि आखिरकार मैं अपने YouTube चैनल पे कितने दिन में एक वीडियो अपलोड करूं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो आप लोग के मन में सवाल होगा कि आखिरकार हम कितने दिन में अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड करें, और कई लोगों के मन में सवाल होगा कि यदि हम अपने YouTube चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करें, और कई लोग सोचते होंगे कि यदि मैं अपने YouTube चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड करूं तो मेरा चैनल जल्दी से ग्रो हो जाएगा, और कई लोग सोचते होंगे कि मैं अपने YouTube वीडियोज को अच्छी तरह से क्रिएट करके, अच्छी तरह से एडिटिंग करके फिर अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूं, चाहे एक सप्ताह में एक वीडियो ही क्यों ना करूं, जिससे कि मेरे वीडियोज पे ज्यादा व्यूज आ जाएगा और वीडियो वायरल हो जाएगा, फिर मेरा चैनल ग्रो हो जाएगा। तो सभी के मन में अलग अलग सवाल होता रहता है। तो आप अपने YouTube चैनल पे डेली वीडियो अपलोड करें कि नहीं करें? यदि आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, और यदि आप डेली वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या बेनिफिट हो सकता है, क्या फायदा हो सकता है? तो इस तरह के जो भी सवाल आप लोग के मन में है, मैं पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो के थ्रू क्लियर करने का, ठीक है? तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं 1% का फ्री प्रमोशन करूंगा, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे मैं इनका फ्री प्रमोशन किया हूं, ये बिनर आए थे। तो यदि आपको भी अपने चैनल का फ्री प्रमोशन करवाना है तो आपने फर्स्टली मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, देन इस वीडियो को लाइक करना होगा और एक प्यारा सा कमेंट कर देना होगा। बस इतना ही करना है आपको, बाकी काम मेरा होगा, ठीक है? और जो विनर आएंगे उनके चैनल का मैं फ्री प्रमोशन करूंगा, और उनके चैनल के लिंक को नेक्स्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है? तो अब चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो आप अपने यूट्यूब चैनल पे डेली वीडियो अपलोड कर सकते हैं क्या? तो ये जो है आपके चैनल कैटेगरी और आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? तो यदि आप एक वीडियो अच्छी तरह से क्रिएट करके अपने YouTube चैनल पे अपलोड कर सकते हैं तो कीजिए, नो प्रॉब्लम। यदि आप दो दिन में एक वीडियो अच्छी तरह से क्रिएट करके अपने चैनल पे अपलोड कर सकते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दो दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है? और यदि आप एक वीडियो अच्छी तरह से क्रिएट करके अपने यूट्यूब चैनल पे एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में अपलोड कर सकते हैं तो पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 7 दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, ठीक है? लेकिन इससे ज्यादा टाइम में यदि आप अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो अपलोड करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। यदि आपका YouTube चैनल नया है या तो आपका सब्सक्राइबर बेस बहुत ही कम है तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है, आपकी वीडियो का रीच डाउन हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है? और यदि आपका चैनल पुराना है और आपका सब्सक्राइबर बेस भी काफी है और आपका चैनल कैटेगरी ऐसा है कि आपको वीडियो क्रिएट करने में काफी टाइम लगता है तो आप एक सप्ताह के बाद भी एक वीडियो अपलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। सभी यूट्यूबर ये चीज बताते हैं लेकिन काफी लोग जो है इस पे अमल नहीं करते हैं, इसे फॉलो नहीं करते हैं। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तभी आपका चैनल ग्रो होगा। यदि आप डेली एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आप डेली एक वीडियो अपलोड कीजिए, यदि दो दिन में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आप दो दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, यदि आप सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करते हैं तो आपने सप्ताह में एक वीडियो अपलोड करना है। और यदि आपका चैनल कैटेगरी ऐसा है कि आपको महीनों लग जाते हैं एक वीडियो को अच्छी तरह क्रिएट करने में तो आप एक महीना में एक वीडियो अपलोड कीजिए, तो नेक्स्ट मंथ में भी आपका एक वीडियो आना ही चाहिए, ठीक है? बाकी जिनका चैनल नया है उनका कैटेगरी कोई भी हो, आपने रेगुलर वीडियो अपलोड करना ही है। एक दिन में एक वीडियो अपलोड कीजिए, नहीं तो दो दिन में कीजिए, नहीं तो सप्ताह में तो एक वीडियो आपको अपलोड करना ही होगा। यदि आपके चैनल का कैटेगरी उस प्रकार का है कि आपको वीडियो क्रिएटिंग में बहुत टाइम लगता है तो आपका वीडियो लंबा होता है तो आपने वीडियो को क्या करना है, सीरीज में अपलोड करना है, पार्ट पार्ट करके अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना है ताकि जो है ऑडियंस भी आपके चैनल के साथ जुड़े रहें, तो इस तरह से आपको वीडियो अपलोड करना है। बाकी YouTube का कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपने डेली इतने ही वीडियो अपलोड करना है, एक ही वीडियो अपलोड करना है, दो ही करना है, लेकिन यदि आप 3 से ज्यादा वीडियो 24 आवर्स के अंदर अपलोड करते हैं तो फर्स्ट के जो 3 वीडियो आपने अपलोड किए हैं उसका नोटिफिकेशन YouTube ऑडियंस के पास भेजेगा, लेकिन आपने जो 4th वीडियो उसी 24 आवर्स के अंदर अपलोड किए हैं उसका नोटिफिकेशन YouTube ऑडियंस के पास नहीं भेजेगा, ठीक है? आगे आज की इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी आप लोग को बताया
आई होप कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। आगे ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा पक्का कमेंट कीजिएगा, और यदि थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट बार ज्वाइन किए हैं मेरे यूट्यूब चैनल प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब इस वीडियो को करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद।